अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 3 दिन के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने कई वैश्विक कार्यक्रमों के साथ कई राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। न्यूयॉर्क में यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर से पीएम मोदी ने विश्व को दिया संदेश, कहा वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा, ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति चो लाम से की मुलाकात, द्विपक्षीय चर्चा के दौरान रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी न्यूयॉर्क में की मुलाकात, विदेश मंत्रालय के मुताबिक 3 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये 3री बार मुलाकात। पीएम मोदी यूएन के कार्यक्रम फ्यूचर समिट के बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान से भी मिले। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हिरासत में से रिवॉल्वर छीनकर भागने के दौरान पुलिस ने किया एनकाउंटर। रेप आरोपी अक्षय के एनकाउंटर पर सियासत हुई तेज, उद्धव गुट ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, आनंद दुबे ने एनकाउंटर की जांच की मांग की। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान, कहा पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश में मारा गया अक्षय, जांच के बाद सामने आएगी हकीकत। अक्षय शिंदे एनकाउंटर विवाद में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर बड़ा बयान, का विवाद करना गलत, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की मां अलका शिंदे ने की न्याय की मांग, अलका शिंदे ने पुलिस पर लगाया अक्षय का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप। महाराष्ट्र में बच्चियों का रेप का आरोपी अक्षय शिंदे के पुलिस एनकाउंटर में ढेर होने के बाद बदलापुर में मनाया गया जश्न, लोगों ने की आतिशबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, अतुल पाटिल ने कहा एनकाउंटर में मिली भगत हो सकती है, जांच जरूरी। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वट्टेदीवार ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में पुलिस पर उठाए सवाल, कहा पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू की लापरवाही। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने साधा निशाना, एक्सपर्ट लिखा सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को मानते हैं अपनी ताकत। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना, एक्सपर्ट लिखा 13,000 एनकाउंटर से अपराध तो रुके नहीं, फिर इसका मकसद क्या। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा 26 सितंबर से शुरू करेंगी प्रचार, टिकट बंटवारे के बाद से नाराज बताई जा रही कुमारी शैलजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी शैलजा के क्षेत्र में अपनी रैली रद्द की, सूत्रों के मुताबिक रविवार को खड़गे से मुलाकात में शैलजा ने जताई थी नाराजगी। कुमारी शैलजा मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा पार्टी में कभी कभी न्याय नहीं हो पाता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का शैलजा मामले में कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कुमारी शैलजा का पार्टी में हो रहा अपमान, दलित महिला का कुचलना चाहती है कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य ने न्यूज 18 इंडिया को दिया बड़ा बयान, कहा मेरी इच्छा है कि मेरे पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस पर बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव में शैलजा का श्राप कांग्रेस को ले डूबेगा। हरियाणा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में नहीं बनेगी किसी की सरकार। नू से कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर का विवादास्पद बयान, नू दंगों का जिक्र करते हुए कहा सरकार बनने पर सबक सिखाएंगे। विवादास्पद बयान पर हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह ने चुनाव आयोग से की मामन खान को अमान्य घोषित करने की मांग, कहा ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला कार्यभार, सीएम दफ्तर में लगाई नई कुर्सी, पुरानी कुर्सी को केजरीवाल के लिए खाली रखने की कही बात। जम्मू कश्मीर में कल राहुल गांधी करेंगे कई रैलियां, जम्मू और सोपोर में जनसभा कर प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की का सहिष्णुता पर बड़ा बयान, का सेक्युलरिज्म यूरोपियन विचार है। तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान पर जताई आपत्ति, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले राज्यपाल का बयान संविधान के खिलाफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर रविवार की रात आजसू नेता सुदेशु महतो के साथ करीब 1 घंटे तक चली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद निशिकांत दुबे, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड के आदिवासियों को हो रही दिक्कतों की जानकारी साझा की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, का सोनिया गांधी के बच्चों को बुढ़ापे में भी जारी है बचपन, कांग्रेस सरकार सोनिया गांधी को पहुंचाती है विकास का पैसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में आर्मी स्पेशल ट्रेन में मिले डेटोनेटर मामले में रेलकर्मी साबिर गिरफ्तार, कोर्ट ने 25 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। खंडवा में आर्मी ट्रेन में मिले 10 डेटोनेटर के पीछे की हकीकत तलाशने में जुटी एनआईए, एटीएस और आरपीएफ शरारत और साजिश की जांच कर रही है टीमें। गुजरात के सूरत में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश में रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, 21 सितंबर को फिश प्लेट और पैड लॉक खोलकर रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसादम मामले में एफएसएसएआई ने जारी किया नोटिस, चार में से एक कंपनी के सभी सैंपल को फेल। तिरुपति प्रसादम मामले पर शंकराचार्य का बड़ा बयान, का मंदिरों से खत्म होना चाहिए सरकार का दखल, हिंदुओं के खिलाफ की गई साजिश। देश में मंकी पॉक्स के खतरनाक वायरस का पहला केस मिला, केरल के एक मरीज में हुई मंकी पॉक्स की पुष्टि। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में किया गया दर्ज, ग्राम समाज की जमीन पर था वक्फ बोर्ड का दावा। राजस्थान के उदयपुर में लोगों ने गहलोत सरकार के लिए मदरसे के लिए आवंटित की गई जमीन के विरोध में किया प्रदर्शन, हिंदूवादी संगठनों ने आवंटन रद्द करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, अब तक 2 महिलाओं समेत 3 शव बरामद, AK-47 राइफल भी बरामद। नादिर शाह हत्याकांड की तिहाड़ जेल से रची गई थी साजिश, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद हाशिम बाबा से शुरू की पूछताछ। दिल्ली के कारोबारी कुणाल छाबड़ा से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मांगे 5 करोड़ रुपए, सामने आए वीडियो और फोन कॉल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली से थूककर जूस बेचने का वीडियो आज सामने, आरोपी दुकानदार का नाम बताया गया सलमान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने जारी किया नोटों का कारोबार करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार, नेपाल तक जुड़े हैं गैंग के तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो, 2 लोग मिलकर एक आदमी को छत से फेंकते हुए दिखाई दिए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के वलसाड में मोटरसाइकिल के स्टंट कराने वाले आयोजन पर एक्शन, कार्यक्रम आयोजित करने वाले समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने 2 अलग अलग जगहों से 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए, ड्रोन के साथ ड्रग्स भी मिले। इसराइल के हमले में अब तक हिजबुल्ला के 800 से ज्यादा ठिकाने तबाह, 274 लोगों की मौत, लेबनान में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान। लेबनान से दागे गए रॉकेट का इसराइल ने आयरन डोम से तबाह करने का दावा किया, हिजबुल्ला ने इसराइल पर किए गए थे रॉकेट से हमला।